जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भक्त उसकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए, शुद्ध बुद्ध खोकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए, सब कुछ मोह माया त्याग कर अगर केवल प्रभु में ही मन लगा लिया जाए तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहने देते, उसे हर संकट से तार लेते हैं। आज के अध्याय का शुभारंभ भी भगवान कृष्ण के एक चमत्कार की कहानी से करेंगे। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ ना कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह यहाँ कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर कई संत भी हुए हैं, ऐसे संत जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी अनेकों संत वहाँ पर हैं जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आप सभी को ज़रूर सुननी चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में कथा जनमानस में आज भी बहुत प्रचलित है। एक कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहें कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिता रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और ये साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किस्त चुकाई है। ये सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाने गया तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाने आता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुजवानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के दावे में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वह भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है।
जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि ये बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि ये सब जगह रहते हैं, लोग उन्हें श्याम, काना, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा कि सच में मुझे नहीं पता कि वह कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का वह पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की, तो पुजारी जी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं रहता। ये सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वो साक्षात श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए, भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह साल बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए हैं, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर, इतने बेचैन हो गए थे कि अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए थे। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते, वहां से पत्तलों की जूठन उठाते और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा लेते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए, लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। लेकिन वह अपनी सुध-बुध खोकर हर दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में से कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ही ना खिला सके। लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वो सारी पत्तलों में से पोंछ-पोंछ कर जितनी भी जूठन हो पाई उन सबका एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में इस बार वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी का भोग लगाए ही वे निवाला मुंह में रख गए। उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर ये निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आया और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? ये सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गई और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई है, माफ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज तक तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कहते हैं कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की स्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जन्म समूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहां से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया और वे आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहां कोई सामान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है।
हैरान परेशान आयकर के अधिकारी वहां से चले गए। पागल बाबा को समर्पित ये विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि ये यहाँ कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और उनके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए आगे का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब ये कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था, वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। सो आप सब एकाग्रित होकर इस कथा को सुनिए। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपया करके इसका महात्म्य भी सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशालकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना वज्र और कंठ पर दे मारा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देव गुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले हे त्रिपुरारी अग्रिहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनि की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं गणों, मैं आप सब की स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो आप सब कोई वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित देव गुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा, हे देव, देवराज इंद्र से जो अपराध हुआ है उसके लिए उन्हें क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादि देव श्री महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया है और उन्हें जीवन दान भी दे दिया है। हे बृहस्पति जी, आज से आपका एक नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर में जा गिरी और एक बावल का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, ये किसका बालक है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका नामकरण कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से खींच दी, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मर पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया
और तब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा करती, पांव दबाती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथवा दुख का सहन करती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदारी होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसका एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देवऋषि नारद ने आगे कहा, हे राजा, पृथु देवताओं के भय से भयभीत होकर जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का वृत्तांत उसे सुना दिया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने अपने एक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। दूत ने ना तो अपना मस्तक झुकाया और ना नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा, दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहकर भेजा है वह सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि वो रत्न तुम हमें वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए हमने जो रत्न लिए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज को ऐसे वचन सुनकर वापस लौटाकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और वह देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर संसद दैत्यों को बुला लिया। शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। अब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शास्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मर मर कर गिरे हुए हथियारों और घोड़ी से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य युद्ध भूमि पर गिरकर मर जाते थे, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। उधर देव गुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों का प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना, तो उसने संसद बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देव गुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं का हार होते देखकर देव गुरु घबरा गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप आने वाले वीडियो में सुनिए। राधे राधे।